हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट की जो साइड्स हैं उनमें रेशियो गिवन है। अगर इसकी पेरीमीटर 360 मीटर है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया दो तरह से फाइंड हो सकता है और जो दूसरा तरीका है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आई नो आप एक तरह से इसे कर सकते हैं यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला, उससे भी करेंगे, लेकिन जो दूसरा तरीका है उससे आप कुछ नया सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट। हमारे पास ये ट्राइंगल है एबीसी और इसकी साइड्स ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो इसकी साइड्स का रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी इज 3:5:4। ये साइड्स का रेशियो है और उनका सम गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज 360 मीटर। तो तीनों आराम से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि इसको x ले लें, यानी a जो है वो 3x, b 5x, c इज 4x। तो तीनों को अगर हम प्लस करें a प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, ये 360 है एंड इसका टोटल है 12x। So 12x is 360, जिससे x आ जाएगा 12 से डिवाइड करके 30। तो ये अब तीनों साइड आ गई हैं। पहली साइड है a is 3x means 90 मीटर, फिर b है 5x, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 150 मीटर, एंड c is 4x, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 मीटर। तीनों साइड आ गई हैं। नाउ फ्रॉम अब यहां से इसे करने के दो तरीके हैं। पहला यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला, और मैं दूसरा भी आपको तरीका बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप एंड तक देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मेथड वन है तो उसमें हेरोंस फॉर्मूला से हम करेंगे। तो सबसे पहले उसमें एस निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, विच इज यू नो सेमी पैरामीटर, यानी 360 अपॉन टू दैट इज 180। सो जो एरिया है दैट इज यू नो द फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां पे एस इज 180 इंटू, अब देखो 180 में से ए माइनस करेंगे तो सीधे 180 में से 90 माइनस करके यहां पे लिख दो, तो दैट इज 90। फिर एस माइनस बी आएगा, यानी 180 में से 150 माइनस करना है, तो ये 30 आ जाएगा। और फिर एस माइनस सी, यानी 180 में से 120 माइनस करना है, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो पेयर बनाने की कोशिश करो, 2 इंटू 90 इंटू 90, इससे 90 का पेयर बन जाएगा। 180 को मैंने ये ब्रेक कर दिया है, 30 ठीक है, और 60 को 2 इंटू 60 करो, 2 इंटू 30, तो क्या हुआ 2 इंटू 30 60 होता है, 30 का भी पेयर बन गया, 2 का सबके पेयर बन गए हैं, तो ये हो जाएगा, इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से ये 90 और इसमें से 30 बाहर आ गया, और ये टोटल आया मल्टीप्लाई होके 2754 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ऑलराइट, अब इसको निकालने का आप दूसरा तरीका देखो। मेथड टू, यहां पे देखो आप देख सकते हैं जो साइड्स हैं ए रेशियो बी रेशियो सी 3:5:4। तो यहां से हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट 3:5:4 ये बनाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो ये जो ट्राइंगल है एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी सबसे बड़ी साइड 5 है और दो साइड ये 3 है और ये 4 है। कैसे, अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हाफ एंड स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो ये जो तीनों नंबर होते हैं ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, और ये आपको अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज बड़ी कॉमन है, आप आराम से ये बहुत बार इतना रिपीट होता है कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये जो तीनों साइड्स होंगी ये एक एक राइटेंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसीलिए आपको याद होने बहुत जरूरी है, जैसे 3 4 5 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6 8 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, फिर इसके बाद 5 12 13 दिस इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 7 24 25 तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट 8 15 17 ये आपको रट लेने हैं। तो ये जो चीजें हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूस होती है और बाकी दो साइड एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा। इसमें से जैसे ये 10 हाइपोटेन्यूस हो गया, ये 13 हाइपोटेन्यूस हो गया और ये सारे राइट एंगल्स हैं। अब देखो इस तो हमें इतना पता चल गया है कि ये एक राइट एंगल है, ये जो प्लॉट है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह का प्लॉट है। अब इसकी जो साइड है वो 90 150 एंड 20 है, इसमें सबसे बड़ी साइड ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा, यानी एक्चुअल में जो ये प्लॉट है इसमें सबसे बड़ी साइड इसकी 150 मीटर है। देखो ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद की कहानी इसमें अब यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक 90 है और एक 120 है, तो ये 90 हो गया और ये 120 हो गया, ठीक है। अब जो इसका एरिया है वो बहुत सिंपल है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू जो दो परपेंडिकुलर साइड है उनका प्रोडक्ट, और इस तरह से ये करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और आंसर है 5400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो आपको इसकी जगह पे आप ये आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम सेव होगा, और ऑफ कोर्स ये तो दोनों ही केस में हमें निकाल साइड की लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, साइड कितनी लंबी है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।